हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देख रहे हैं आपकी वर्कशीट। ठीक है, तो वर्कशीट में फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर, मतलब कि जो एक आपके बिल्डिंग दिखाई गई है हिंदी में, आपका जो फिगर दिखाया गया है, ठीक है, उसमें दिखा मतलब कि आपकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो बिल्डिंग है उसमें आपने ये दे रखा है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, उसमें आपको हाइट ज्ञात करनी है बिल्डिंग की। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से है आपके, चैप्टर नंबर आपका है 9। ठीक है, तो अब आप इसमें जानते हो कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में ये एच हो गई और ये बी सी जो है हाइट इसकी बेस हो गया। ठीक है, बी सी अगर ये एंगल हमारे पास 60 दे रखे हैं तो इसको हम ये बेस बोलेंगे। ठीक है, और ये हाइट ऑलरेडी है। तो अब आप देखो कि ऐसा कौन सा हमारा रेशियो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मैंने पढ़ाए थे चैप्टर में, वो आप देखिए कौन से रेशियोज में जिसमें हाइट और मतलब हाइट को ये कह सकते हो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता है। तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन बताता है आपके पास टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो आप देखिए, अब टेन थीटा यहाँ पे आपको देखिए टेन दे रखा है उसने, टेन थीटा बराबर 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हाइट उसने पूछी है और बेस कितना दे रखा है आपने 50 मीटर उसने दिया हुआ है। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 50। ठीक है, तो इसका अब इसको 1 ले लेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एच निपारा निकल के आ जाएगा 50√3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा, तो एच इंटू 1 एच ही रहेगा और 50√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए चाइल्ड इज वॉचिंग ए बर्ड ऑन ए ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज और हर साइट इज 45 डिग्री, द चाइल्ड इज 1.5 मीटर टॉल, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द चाइल्ड ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर। मतलब एक बालक पेड़ पर बैठे पक्षी को देख रहा है। ठीक है, कोई मान लो अगर हमने इस तरीके से यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, चादर चढ़ा दी हूँ क्या पेड़ कुछ इस तरीके से, ये पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ पर कोई एक पक्षी बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और बालक उसको देख रहा है। ठीक है, बालक ये रहा, मान लो ये हमें कहते हैं कोई बालक मैन मतलब बच्चा है, तो उसकी हाइट डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगी, उसने हाइट भी दे रखी है 1.5 मीटर हाइट है उसकी, 1.5 मीटर बच्चे की हाइट है यहाँ पर। ठीक है, ये बॉय है, मान लो बॉय ए बी एक कोई बॉय है और सी डी कोई एक ट्री है। अब उसने बोला जो बॉय है वो अपनी दूरी से पेड़ की तरफ को देखता है। ठीक है, पक्षी पेड़ पर जो बैठा है उसको देखता है, उसमें जो कोण बनता है 45 डिग्री, मतलब उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री मतलब कि ये यहाँ से अपने लेवल से तो ऊपर देखेगा या नीचे से थोड़ी ना देखेगा, यहाँ पे बच्चे की आई से तो यहाँ से तो ऊपर देखेगा, तो ये जो है उसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 45 डिग्री का है। ठीक है, और ये उसने दिया हुआ है, ये कितना है उसने 30 मीटर दे रखा है, 30 मीटर। अभी एक चीज़ देखिए, तब उसने पूछा है हाइट, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना मतलब पेड़ की ऊंचाई है, पूरी पेड़ की ऊंचाई है। अब इसमें आप ये देखो कि ये 1.5 है, 1.5 मीटर होगी, क्योंकि आपके ये जो क्या पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल के हिसाब से, रेक्टेंगल देखेंगे तो ये वाली साइड इसकी आप इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी, तो ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1.5, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, मान लो ये पॉइंट ई है, तो ये एच निकाल लें, अगर हम एच निकाल लें और एच में 1.5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ ट्री निकल आएगी। ठीक है, अब आप देखो वही लास्ट, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन की तरह ये, इसमें भी अब ये क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा डिग्री एंगल है तो ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन जो है कौन बताता है, अगेन टेन थीटा बताता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके ऊपर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, ठीक है, या वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू इतना, सो इन ट्रायंगल, ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो, सो इन ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है, तो टेन फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 30। ठीक है, 1045 की वैल्यू आप कितने जानते हो, 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एच बराबर आ जाएगा 30। ये एच 30 आया है, कौन सा आया, ये, ठीक है, ये 30 मीटर आ गया ये एच। अब ट्री की तो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ, इसमें गलती कर देते बच्चे, यहाँ गलती नहीं करनी है, उसने पूछा हाइट ऑफ ट्री,
ठीक है, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करने पर हाइट ऑफ ट्री बननी है। हाइट ऑफ ट्री हो रहा है जैसे सी ई प्लस ई डी, तो सी कितना है 30 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 31.5 आपका मीटर हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, समझ में आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए कार फ्रॉम द बेस। कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचे एक टावर है, ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई एक टावर है जिसकी हाइट है 75 मीटर, ए बी कोई एक टावर है जिसकी हाइट है 75 मीटर। अब वो बोल रहे नीचे कार का अवनमन मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालेंगे, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन पैसे यहाँ देखेंगे तभी तो नीचे देखेंगे, तो ये डॉट 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 आप ऐसे मान के देख लीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा से नीचे जब देखेगा, ठीक है, तो उसने वो देखा ये पार्क है। अब ये पार्क पर ये वाला जो एंगल बनना है वो 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री है। अब बोला टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये कार है कोई भाई, इस तरीके से कोई कार है, दो पहिए इसमें लगा दो भाई, ठीक है, ये कार है, ठीक है। तो अब ये कार से देखो, अब कार है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सर उसके बोनेट पे मानेंगे या पीछे मानेंगे, पॉइंट एक पॉइंट मानेंगे, कार मतलब कोई एक पॉइंट डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब उसने ये पूछा ये जो बेस है ये जो निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन निकालनी है, डिस्टेंस डी निकालनी है इसके बीच की, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। अब आप देखो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये वाला एंगल है लेकिन इसमें तो हम कुछ खेल कर ही नहीं रहे, तो अब आप देखो जो जेड प्रकार का जो एंगल बनता था इस तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते थे, तो ये पैरेलल लाइन है दोनों, ये और ये जेड की आकृति बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल हो गया। अब इंटर एंगल ए बी और सी इसका नाम दे देते हैं, ए बी सी में देखिए हमारे पास हाइट है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर है हमारे पास, और ये बेस निकालना है हमें, सेम रिलेशन फिर से लगाएगा, ठीक है। तो इंटर एंगल ए बी सी क्या लगाओगे आप, 10-30, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, इस बार दो क्वेश्चन आपने कर लिए, 10-30 बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है डी, मतलब डी निकालना है, डिस्टेंस ही निकालनी है आपको, ठीक है। तो 10-30 की वैल्यू होती है, 10-30 वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, 1/√3 इजकल टू 75/d, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा डी इजकल टू 75 × √3, ठीक है। तो ये डी कितनी हो जाएगी, डी हाइट हो जाएगी हमारे पास 75√3 है इसका आंसर, डी का मतलब डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी है 75√3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आपकी वर्कशीट के तीनों क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कर दिए, आप इनको ध्यान से देखिए, ठीक है, और सॉल्यूशन करिए, फिर भी कुछ समझ में ना आया तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। जब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।